Hello friends, I am Bibhu and today we discuss about what is the basis of education or fundamentals or fundament of education and meaning, then what is the importance of education and what is the goal or purpose of education. So, आमे जदि ओडियारे कहिबा शिक्षार मौलिकत्व कौन अच्छी यार अर्थ कौन कार्य कौन एवं लक्ष्य गुड़ाक कौन कौन रही. तो जदि आम ए विषय पढ़ाक जाऊे तो ये विषय आम अनेक गुड़ाए कथा रही अच्छी. जमीती जदि आम देखा एठार जी भारत पुरातन ग्रंथ गुड़िक दि जा सूचना अनुजाई शिक्षार अर्थ वर्णना करें तो अनेक प्रकार जिनस अच्छी. शिक्षा हेउछि गोटे जीवनव्यापी प्रक्रिया जहाँ माँ पेटर आरंभ हो मृत्यु पर्यंत मृत्यु होगा पर्यंत चली रही थाए. शिक्षा को उभय द्विपाक्षिक और त्रिपाक्षिक बायोपोलार और ट्रायोपोलार प्रोसेस कहपर. तो आम प्रथम देखा जे शिक्षार अर्थ कौन. तो शिक्षा होची गोटे लाटिन शब्द बा एजुकेशन जो कौ आम इंग्राजी एजुकेशन होची गोटे लाटिन शब्द जहाँकि तीनोटी लाटिन शब्द रु उद्धृत एजुकेयर एजुसेयर एंड एजुकेटम. तो अभिधानगत दृष्टि जदि आम देखा एजुकेयर कहले शिशु को शिक्षित करने लालन पालन करने और वृद्धि सहायता करने. सेपरी जदि एजुसेयर को देखा एजुसेयर शब्दटर अर्थ हो प्रकटित करने प्रकाश करने किसी जिनस को आम जिते बेले आम मनरे कौन गोटे जिनस सृष्टि हुए आम जिते बेले प्रकाश करूँ ताक आम नहीं पार्टा एजुसेयर. सेपरी एजुकेटम अर्थ हो शिक्षादान प्रशिक्षण कार्यक्रम को बुझाई थाए. तो एजुसेयर शब्दटी अर्थ जत्न ने लालन पालन करवा यह शिक्षा एक बाह्य घटना बा कार्य अटे. किंतु विशिष्ट शिक्षाविद तानेजा मतरे शिशुटी कदापि गोटे उत्सकूप सह तुलनीय नुहे जो कूपर खूब अल्प परिश्रम प्राकृतिक उपाय जल निर्गत होता है. तेणु उभय एजुसेयर और एजुकेटम जो थे शिक्षा शब्दटी व्युत्पत्ति होती विश्वास करा जाऊ ना कहीं यह सूचाई दिए शिक्षा एपरि एक बाह्य कार्यक्रम जहाँ व्यक्ति परिवेश ग्रहण करें. तो शिक्षा कौन शिक्षा होची आमे शिक्षा दुई प्रकार गोटे होची ब्रोडर मीनिंग और गोटे होची नेरोअर मीनिंग. तो नेरोअर मीनिंग रे आमे जदि बुझिबा आमे जेते बेले स्कूल किंबा कॉलेजेस रे चारिकांथ भितर जो शिक्षा ग्रहण करुचु ताहाकु आमे कही था जे मैं कौन कहूँ ना सॉरी ठीक है मने पड़ूनी. तो जहाँ चारिकांथ भितर आम शिक्षा ग्रहण करूँ ताहाकु नेरोअर मीनिंग कहा जाए एवं जहाँ आम समाज किंबा आम पढ़ा कौन सी बही ए प्रकार शिक्षा को ब्रोडर मीनिंग बोली कहा जाए. तो शिक्षार संज्ञा माने कौन डेफिनेशन. तो आम जदि देखा शिक्षार संज्ञा बा शिक्षार डेफिनेशन निर्दिष्ट भावे प्रदान करिबा बहुत कष्टसाध्य कारण अनेक प्रकार शिक्षाविद दार्शनिक चिंता नायक शिक्षाविद माने विभिन्न प्रकार मत पोषण करिथांती. आमे मध्य शिक्षा को अनेक प्रकार अर्थरे नै पारिबा. तो यही दृष्टिकोण जदि देखा विभिन्न शिक्षाविद मानक मतरे तो आमे प्रथमे देखा शिक्षा संपर्क में भारतीय शिक्षाविद और ईस्टर्न एजुकेशनिस्ट मानकर ओपिनियनटा कौन बा मतटा कौन. तो ऋग्वेद मतरे जदि आम ऋग्वेद को देखा चारिटी वेद मध्य ऋग साम जजु अथर्व. तो प्रथम वेद ऋग्वेद को जदि देखा से कहे जे शिक्षा मनीष को आत्मविश्वासी आत्मनिर्भरशील एवं निस्वार्थपर होवार सहायक होता है. यहाँ भी ठीक कथा. तो आउ जदि देखा जदि गुप्त युगर महान राष्ट्रनायक कौटिल्य मतरे देखा कौटिल्य जड़े जनाशुना व्यक्ति जे कि चंद्रगुप्त मौर्य समय समस्त विवरणी प्रदान करते मौर्य वंशर शासन विषय आमको विवरणी प्रदान करते. तो मतरे शिक्षा मनीष को देश प्रेमी तथा सुनागरिक रूपे गठन करें.
जदि आम महात्मा गांधी कथा कहिबा, महात्मा गांधी कहिथिले जे शिक्षा होची एजुकेशन आई मीन्स एन ऑलराउंड ड्रॉइंग आउट बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। मो मतरे शिक्षार अर्थ होची जहाँ गोटे शिशुर शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक ताको भल दिग को नहीं थाए। तो यही मतानुजाई सेपरी शंकराचार्य आम हिंदू धर्म एवं दर्शनर महान प्रवर्तक शंकराचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य मतरे आत्मसाक्षात्कार ही शिक्षा। तो आम जदि रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ इज एजुकेशन, तो आम जदि आम निज को चिन्हिबा ताहा ही शिक्षा बोली आम धरी नेबा। जेहेतु से जड़े महान पुरुष थिले, महान प्रवर्तक थिले, धर्मजाजक थिले, तेणु तांक मतरे आत्मसाक्षात्कार ही शिक्षा। तो अनेक प्रकार मत अच्छी जहाँ जदि गुरु नानक मत देखा शिक्षा ही आत्मोपलब्धि और मानवर सेवा निमित्त गोटे उद्दिष्ट माध्यम। सेपरी आम देखा केतेज तो महात्मा गांधी कही शिक्षा कहले शिशु मनीष मध्य शरीर मन और आत्मार सर्वोन्मुखी और सर्वोत्कृष्ट परिप्रकाश को बुझा जाए। तो शिक्षा संपर्क एवं पाश्चात्य शिक्षाविद मानक मत कौन, वेस्टर्न फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट मानक ओपिनियनटा कौन? तो आम जदि देखा आधुनिक कर्मवर्धिष्णु शिक्षा तथा शिक्षार विकास प्रक्रिया अनेकांशे पाश्चात्य सभ्यता उपर निर्भर करें। शिक्षा संपर्क केतेक पाश्चात्य चिंतानायक मत निम्न प्रदान कर तो विशिष्ट शिक्षाविद दार्शनिक आरिस्टोटल मतरे शिक्षार अर्थ होची एक सुस्थम शरीर सह एक सुस्थ मनर सृष्टि ही शिक्षा। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इज एजुकेशन। तो कहिबा अर्थ जे व्यक्तित्व विभिन्न विभाग विशेषतः मनोशक्ति विभाग प्रवृत्ति विकास साधना करिथाय जद्वारा व्यक्ति संसार परम मूल्यबोध सत्य शिव सुंदर को हृदयंगम करने सहित एथिरे थिबा परम सुख को उपलब्धि करिबारे समर्थ होइथाय। सेपरी आउ जणे स्पेंसर का जदि देखिबा स्पेंसर कहिथिले शिक्षा ही पूर्णांग जीवन जापन शैली को बुझाइथाय एवं यह शिशु को संपूर्ण सुख प्रदान करिथाय। जदि आमे जॉन आडम्स को कथा कहिबा सॉरी थॉमस का कथा कहले किंबा आडम्स का कथा, आडम्स का मतरे शिक्षा एक सतत जाग्रत उद्देश्यमूलक प्रक्रिया जहाद्वारा जड़े व्यक्ति व्यक्तित्वर विकास द्वारा अन्य जड़े व्यक्तिर व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित करिथाय। एही प्रक्रिया उपयुक्त जोगाजुग और ज्ञानर आदान प्रदान प्रक्रिया द्वारा ही संभव होइथाय। आमे तो शिक्षा एमती ग्रहण करिपारिबानी ना, सेथिपाई गोटे जोगाजुग एवं ज्ञानर आदान प्रदान हेबा निहाति दरकार। जॉन डुइंग का मतरे होची जे शिक्षा जीवनधारण एक प्रक्रिया जहाद्वारा अनुभूतिर निरवच्छिन्न पुनर्गठन होइथाय। आमे शिक्षा द्वारा कौन करिपारिथाउ आम जो स्वप्न थाए ताहाकु रियलाइज करिपारु एवं आमर अनुभूति गुडीकु निरवच्छिन्न पुनर्गठन करिपारिथाउ। तो शिक्षा प्रक्रिया बा शैक्षिक प्रक्रिया कौन, पूर्वर आम आलोचना कर शिक्षा एपरि एक माध्यम जहाँ व्यक्तिर केतेक निर्दिष्ट गुणावली बा अंतर्निहित प्रतिभार विकास निमन्ते साहाय्य करिथाय। तो प्रक्रिया कहिले मुख्यतः कौनसी एक निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल करिबा निमित्त उद्दिष्ट कार्यधारा को बुझाइथाय। तो आमे कौन बुझिले जे कौनसी कार्य को निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल निमित्त करा जाउथिबा कार्यधारा को प्रक्रिया बोली कहा जाए। तो व्यक्तिंकर विभिन्न गुणावली विकास माध्यम रे उपयुक्त व्यवहारिक परिवर्तन सृष्टि करिबा शिक्षार एक लक्ष्य अटे। यही लक्ष्य हासिल निम्ते शिक्षा विभिन्न कार्यक्रम साहाय्य नहीं थाए, परिप्रेक्षी शिशु को एक प्रक्रिया बोली कहा जाए थाए। तो शिक्षा एक द्विपाक्षिक प्रक्रिया वा बायपोलार प्रोसेस। तो शिक्षा होची एक जीवन जीवनव्यापी प्रक्रिया वा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जॉन आडम्स कहिथिले जे अन्य केतेक शिक्षाविद मतरे शिक्षा एक द्विपाक्षिक प्रक्रिया।
कारण यह प्रक्रिया सह शिक्षक और शिक्षार्थी ए दुई जन विशेष भाव संप्रत अटंती तेज देखिपार शिक्षा प्रक्रिया कौन शिक्षा प्रक्रिय जदि शिक्षक एवं शिक्षार्थी दुई जनकर पार्टिसिपेशन टा निहाती जरूरी जदि शिक्षार्थी अंशग्रहण करदेव शिक्षक आसबेनि से शिक्षा प्रक्रिया बा लर्निंग प्रोसेसटा आग को जापरबनी जदि शिक्षक अंशग्रहण करदे शिक्षार्थी आसबेनि से शिक्षा प्रक्रिया आग को जापरबनी तो शिक्षा को बायोपोलार प्रोसेस कहुए शिक्षक एवं शिक्षार्थी उभयंकर संप्रुक्ति निहाती जरूरी तो यहपर प्रक्रिय शिक्षक और शिक्षार्थी मध्य मुख्यतः भाव आदान प्रदान होता है जड़े शिक्षक शिक्षा प्रदान कले अन्य जड़े शिक्षा ग्रहण करें जड़े कहले अन्य जड़े शुणी थाए जड़े निर्देश प्रदान कले अन्य जड़े यहाँ पालन करेक कथा तो रस्क मतरी गोटे चुंबक पर शिक्षार दुई गोटी मेरु प्रांत थाए गोटे हेले शिक्षक आ गोटे शिक्षार्थी तो शिक्षा एक त्रिपाक्षिक प्रक्रिया जदि देखा शिक्षा एक त्रिपाक्षिक प्रक्रिया तो शिक्षण परिवेश प्रति अवहेला प्रदर्शन पूर्वक जितेबले शिक्षार द्विपाक्षिक प्रक्रिया उत्तम रूपे यार कार्य संपादन करिस्थित शिक्षा त्रिपाक्षिक प्रक्रिया निजर कर्तृत्व जाहिर करितिला शिक्षाविद मानक मतरे मध्य परिवेश उपयुक्त सहयोग व्यतिरिक शिक्षा प्रक्रिया यार कार्य सुंदर होता है तो त्रिपाक्षिक प्रक्रिया कहले कौन ना शिक्षक शिक्षयत्री सॉरी शिक्षक शिक्षा शिक्षार्थी एवं समाज ये डायग्राम टा देखि पार तो शिक्षा प्रक्रिया बिना समाज रे भी हो पार ना बिना शिक्षक हो पार ना एवं बिना शिक्षार्थी मध्यम हो पार ना तो तेणुक यहाँ कह जाए त्रिपाक्षिक प्रक्रिया द्विपाक्षिक कहुए त्रिपाक्षिक कहुए तो आज नेक्स्ट क्लास रे आम डिस्कस करिबा शिक्षार संकीर्ण अर्थ और नेरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन कौन।